यीशु जिस तरह अब जबकि उसके परिवार में पहुंच गए थे, उसी तरह आज मेरे परिवार में भी पहुंच जाना। हमारे घर के चौकट तक प्रभु आने की कृपा करना। घर की परिस्थिति आपके नजरों के सामने है अब्बा, घर की तमाम बातों को खुदावंत हम आपके समक्ष समर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप हमें सुन रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि आप हमें देख रहे हैं, इस विश्वास के साथ जो बात लिखी गई है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20, जहां दो या अधिक मेरे नाम पर एकत्रित होंगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा, ये आपका ना बदलने वाला वायदा। ए अब्बा, उस वायदे को हम दावा करते हैं और इस समय विश्वास करते हैं कि आप यहां है। अब्बा, हमारे घर आने की कृपा करें। जिस तरह अपने प्रकाशना ग्रंथ में आपने कहा, मैं द्वार पे खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और मैं उनके साथ वास करूंगा, मैं उनके साथ भोजन करूंगा। खुदा, हमारे घर आइए, चौकट पे मत खड़े रहिए। अब्बा, ये आपका घर है, ये परिवार आप ही का है, यहां पर खुदा आपकी हुकूमत रहे। जिस तरह से मैं उनके परिवार में भी आप पहुंच गए थे, यीशु आज आ जाना। घुटनों पे जितने भी लोग आ सकते घुटनों पे आना और यीशु से कहना कि यीशु आ मेरे घर में आना। घर की सारी परिस्थिति, सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारे वर्तमान तंग हालातों में प्रभु आप आ जाना। यीशु को एक पल बुलाना, दोनों हाथों को सीने से लगाना, अगर चाहते तो सीने से लगा लेना। दोनों हाथों को यीशु के परम पावन उपस्थिति की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो प्रभु की उपस्थिति की ओर बढ़ा देना। ये उपस्थिति हमें बताती है कि ईश्वर अपने प्रजा के बीच में निवास करता है। अब ना आंसू होगा ना मृत्यु होगी। सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने प्रकाशना अध्याय 21 वचन 5, सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने यीशु मसीह ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। सब कुछ नया बना देने वाले आपने कहा, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 32 वचन 27 के द्वारा, मैं सब शरीर धारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। विश्वास है अब्बा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार बस घर आना, बस एक बार घर आना। इस समय सबके मुंह से यीशु का नाम आने दीजिए। यीशु, वही नाम जिस नाम को लेकर पेत्रुस ने कहा था, ना तो सोना है ना तो चांदी है हमारे पास, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम उठ, और वहां चमत्कार हुआ। इस समय यीशु बुलाते जाए, यीशु को पुकारे, पुकारे यीशु को, सबके जुबान से यीशु का नाम आने दे। वो सामर्थ्यशाली नाम जो स्वर्ग से दिया गया था, वो नाम जिसका अर्थ है वो अपनी जनता को गुनाहों से मुक्त करेगा, वो यीशु का नाम, सामर्थ्यशाली नाम समस्त संसार में हमारी मुक्ति के लिए दिया गया। बस एक ही नाम, बुलाइए यीशु को, पुकारे, सभी लोग ऊंची आवाज में पुकारे, लगातार यीशु नाम पुकारे, यीशु पुकारे, जीसस, जिनको जीसस पुकारने का मन करे वो पुकारे, हालेलुया, जीसस, जीसस, लगातार पुकारिए। यीशु ने कहा, योहन 14:14, मेरा नाम लेकर तुम जो मांगोगे मैं वही तुम्हें प्रदान करूंगा। यीशु का नाम पुकारिए, उन्हें अपने घर बुलाइए। यीशु आ, यीशु आ, मेरे घर, मेरे परिवार, परिवार के सभी सदस्यों में यीशु आ, मेरे घर के टूटे बिखरे हालातों में यीशु, मेरे दिल में
सच्चाई और ईमानदारी है, बड़ी भक्ति और श्रद्धा से समय प्रार्थना करते जाना, यीशु से बातें करते जाना। यीशु आने दीजिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बीमारी में, कमजोरियों में, उन्हें आने दीजिए। यीशु जरूरतों को इस समय प्रभु के समक्ष समर्पित कर देना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन 3 में लिखा हुआ, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होता। निराश वो होता है जो अकारण ईश्वर को छोड़ देता है। प्रभु हमने आपको छोड़ा नहीं है। हमारे आध्यात्मिक लापरवाही के लिए इस समय हम क्षमा मांगते हैं अब्बा। हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती नहीं है, क्षमा मांगते हैं अब्बा। जो वरदान आपने दिया तो उन वरदानों के अनुसार जीवन बिताया नहीं है अब्बा। आज हम माफी मांगते हुए आपके पास घुटनों पे है अब्बा। ए यीशु मसीह, मुक्त करने वाले, हमें सुनने वाले, हमें मुक्त कर देने वाले, हमें छुटकारा देने वाले, सबको फिर से नया बना देने वाले यीशु, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरी योग्यताओं में, मेरी कमजोरियों में, मेरी परेशानियों में, मेरे बिजनेस में, मेरी जमीन में, मेरी जायदादों में, मेरी तमाम सारी बातों में यीशु, लोग सिर झुकाएं। जितने भी लोग दंडवत कर सकते समय दंडवत कीजिए, जितने भी लोग दंडवत कर सकते दंडवत करें, जितने भी लोग सिर झुका सकते हैं सिर झुकाएं। आपकी सारी बातें इस समय प्रभु के समक्ष समर्पित कीजिए। जो कुछ आप यीशु से कहना चाहते इस समय कह दीजिए। देखिए कितना महान प्रेम ईश्वर ने हमें दिखाया है कि हम उनकी संतान कहलाते और वास्तव में हम वही है। ये वही है जिन्हें हम पापा कहते हैं, ये वही है जिन्होंने हमारे लिए लहू बहाया, ये वही है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, ये वही है जिन्होंने मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 27 में कहा, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये वही है जिन्होंने मरकुस 9:23 में कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तेरे लिए भी सब कुछ संभव है। इस समय विश्वास करते हुए, अविश्वास और अल्पविश्वास और अंधविश्वास के लिए क्षमा मांगते हुए एक पल प्रार्थना करें, एक पल प्रार्थना करें कि प्रभु क्षमा करें, मेरी जरूरतें, मेरे सपने, मेरे ख्वाहिशें, मेरे सभी योजनाएं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, सभी के ऊपर अब्बा दया करना, सबके जीवन में आ पाना, मन में, दिल में, जीवन में, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य की चिंता और घबराहट में, सभी बच्चों में, सभी बुजुर्ग में, सभी कैंसर पेशेंट्स में, सभी स्पॉन्डलाइसिस से पीड़ित लोगों में, सभी ने संतान दंपतियों में, सभी डॉक्टर्स में, सभी नर्सेस लोगों में, सभी टीचर लोगों में, सभी पास्टर्स के ऊपर, सभी पुरोहितों के ऊपर अब्बा इस समय रहम करे यीशु। सिर उठाइए, दोनों हाथ भी उठाइए।
जगह है, बैठ जाएंगे। यीशुआ यीशुआ बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना, और जोर से, और जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज कम हो गई।